एक दिल है और कितने गम है, टूटे हुए अंदर से हम हैं, किससे पूछे कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है, एक पल कहीं मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी क्या, मुझे शादी ही नहीं करनी तो फिर क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए? अच्छा इधर आओ, इधर बैठो और मेरा बच्चा बताओ क्यों नहीं करनी शादी? देखो बेटा, जब तक मैं हूँ ठीक है, लेकिन मेरे बाद मैं तुम्हारे अब्बू के हवाले तुम्हें नहीं कर सकती। मम्मी क्या हो गया आपको, क्यों करती हैं ऐसी बातें? हल्ला ना करे, और इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। वो ठीक है, लेकिन बेटा हमारे माशरे में औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं कर सकती। मम्मी कम से कम मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं हूं जो मर्द के सहारे जीती। वो पुरानी औरतें थी मम्मी, आज की औरत तो हर काम कर रही है और मर्द से बेहतर कर रही है। देखो मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शहजाद बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात है कि वो लाइबा का देवर है। तुम दोनों बहनें मिलकर हमेशा एक साथ रहोगी। तुम अच्छी तरह जानती तो हो अपने अबू को। कल कला को वो फिर किसी और को लेकर आ गए, इस दफा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इनकार का, फिर तुम्हें कुर्बान होना पड़ेगा। की बात ही मत करें अभी। देखो बेटा, कोई भी फैसला करने से पहले सिर्फ एक दफा सोच लो, शहजाद से मिल तो लो। बेटा वो बहुत अच्छा लड़का है, वो खाली की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो पढ़ा लिखा लड़का है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मिल लूंगी मैं शहजाद से, लेकिन उसके बाद फिर जो मेरा फैसला होगा वो आप लोगों को कबूल करना होगा। ठीक है, लेकिन जो फैसला करोगी ईमानदारी से, ये नहीं कि तुम यहीं से सोच के जाओगी कि मैं शहजाद को इनकार कर दूं। हाँ, बोल दो भाई, आज मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। जफर खालिद का भाई है ना शहजाद, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्यों ना रश्मिया के लिए उस बात की जाए। वाह भाई सकीना, वाह, मेरे साथ रहकर तेरा भी दिमाग चलने लगा है। ईमानदारी से बताऊं, जिंदगी में पहली बार तूने कोई अकल की बात की। देखो सबसे पहले तुम लाइबा से बात करो, फिर मैं बात करूंगा खालिद से, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अपनी इस घमंडी बेटी से बात कर लो कि वो तैयार भी है कि नहीं है। मैं यशमिया से भी बात कर लूंगी, लेकिन पहले लाइबा की राय ले लूं, उसके बाद यशमिया से बात कर लूंगी, इंशाल्लाह मान जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि उसको कोई एतराज नहीं होगा इस रिश्ते। अरे भाई एतराज की क्या बात है, मैं तो कहता हूं अगर ऐसा हो जाए तो क्या मजा है, दोनों बहनें साथ रहेंगी, राज करेंगी राज। हेलो, हाय हाय यशमय, सब ठीक है? आपको फोन कर रहा हूँ, आप कॉल्स कट कर रही हैं। वो थोड़ा बिजी थी काम में।
आप फोन क्यों कर रहे थे? काम था कोई? काम आप ही का था ना, आपने मुझे घर ढूंढने का कहा था। ये प्रॉपर्टी डीलर से मेरी बात हुई, उन्होंने कुछ ऑप्शंस भेजी हैं, आपको दिखाते हैं। थैंक यू, मगर मैं आपको बिल्कुल बताना भूल गई कि मेरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब घर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह दैट्स नाइस, चले अब तो फिर सिर्फ जॉब का मसला रह गया, वो भी हल कर लेते। नहीं नहीं आप फिक्र मत करें, मैं खुद ही कुछ कर लूँ। यशमा इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ कोई बात हुई है क्या? नहीं क्यों, क्या बात हो सकती? नहीं आई थिंक कोई बात हुई है। नहीं और बात भी ठीक ही है, मैं आपको हर छोटी छोटी बात के लिए क्यों परेशान करती हूँ? हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। हाँ लेकिन इसका हरगिज ये मतलब तो नहीं है ना मैं अपनी हर प्रॉब्लम लाके आप ही के सामने रखूं। आई गॉट इट, ये मैंने आपसे कुछ कहा है ना? नहीं उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। नहीं मैं मान ही नहीं सकता कि आपसे किसी ने कुछ ना कहा। आपके मानने या मानने से कुछ नहीं। और आप मैम से मिलने आए थे, क्योंकि मैम इस वक्त ऑफिस में नहीं है। एक्चुअली कल मैं सलमान साहब से मिलने गई थी। सलमान के पास? सलमान से क्या काम था तुम्हें? वो जी कुछ पर्सनल काम था उनसे। देखो यशमिया, सलमान मेरा भांजा है, वो तो उसने वैसे ही हमदर्दी में तुम्हारी हेल्प कर दी होगी, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना, ये ठीक नहीं होगा। मैम आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। यशमिया देखो बुरा मत मानना, वो मेरा भांजा है, मेरी बहन ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है। होप यू डोंट माइंड। इट्स ओके मैम। तो इसका मतलब है ईमा का शक बिल्कुल ठीक था। फजीला बस तुम जल्दी से आ जाओ ना इस रिश्ते को, ताकि हम ऑफिशियल कर दें। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बस मैं चाहती हूँ कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो उससे पहले हम इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दें, ठीक है ना? हाँ हाँ अब ये बात तो है। अब देखो उन दोनों में से मेरी कोई भी नहीं सुनता, ना ईमा सुनती है ना सलमान। अच्छा हाँ हाँ वो तो मैं जानती हूँ, अच्छे लड़कों पे तो सारे लोगों की नज़रें होती है, बहुत अच्छा लड़का है। बस ठीक है तुम जल्दी आ जाओ, हमें वजाहत से भी कहती हूँ कि सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ख़त्म करें, फौरन आ जाएं, ताकि हम इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दें। ओके डियर टेक केयर, सी यू सून। अरे हाँ यार वो शादी पे बात याद आ गई कि तुम्हारे लिए एक और रिश्ता आया है। मेरे लिए रिश्ता?
हाँ हाँ भाई रिश्ता तेरे लिए, वो लाइबा की बहन है ना यशमिया, उसके बाप ने तेरे लिए रिश्ता दिया है भाई। वैसे लड़की दबंग है, चचेगी तेरे साथ, लाइबा की तरह नहीं कि सारा दिन बस रोती रहे। हैं क्या ख्याल है, अपनी भाभी को बता देना अच्छी लड़की है। होगी भाई लेकिन। अरे लेकिन लेकिन क्या यार, शादी तो करनी है तुझे, आज या कल तो शादी करनी है ना तुमने। और अपनी भाभी से पूछोगे तो वो अपने रिश्तेदार में तो ऐसी लड़की ला देगी जो सारा दिन झगड़ा करेगी तेरे साथ, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, तबाह हो जाओगे तुम। असल में भाई मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं। और भाई क्यों नहीं करोगे शादी, भाई किसी को दिल दे बैठे हो है? ये आशिक और माशूक के चक्कर में यार मत फंसना यार। हेलो, क्या हुआ भाई, आज स्टूडियो से जल्दी आ गए? नहीं बस आंटी काम खत्म हो गया था जल्दी, तो सोचा घर आ जाऊं। अच्छा तो ये इमा कहाँ है? इमा आई थिंक शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई हो। शायद यू आर नॉट श्योर? नहीं नहीं कंफर्म ही है, अपने फ्रेंड्स के साथ ही गई होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे? नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? आई मीन पहले तुम्हें इमा का सारा स्केड्यूल पता होता था और अब तुम शायद का वर्ड यूज कर रहे हो। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिना वजह सीरियस हो रही। देखो बेटा मैं इमा की माँ हूँ और तुम्हारी भी, तुम दोनों मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। आंटी आपको तो पता है ना इमा का कि बगैर कुछ सोचे समझे हर वक्त सीन क्रिएट करती रहती है, और आजकल पता नहीं क्या हो गया हर वक्त यशमिया को लेके मुझसे लड़ती रहती। देखो बेटा तुम जानते हो कि मैंने इमा को कैसे पाला, मैंने कभी उसकी कोई ख्वाहिश कोई बात रद्द नहीं की। एंड यू नो तुमसे मंगनी करने का मकसद भी यही है कि तुम उसको अच्छे तरीके से जानते हो। आई होप तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। वो तो ठीक है आंटी लेकिन प्लीज आप भी तो उसे समझाएं ना, मुझे मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। आई केयर फॉर हर, आई लव हर, लेकिन थोड़ा सा मेरे बारे में भी तो सोचे ना। शी ऑल्सो लव यू बेटा, इट्स नेचुरल, इसीलिए इनसिक्योर होती है ना वो। आंटी ऐसे कैसी इनसिक्योर हो रही है जब बनता ही नहीं उसके इनसिक्योर होना। लिसन माय डियर डोंट गेट इरिटेटेड, मैं समझाऊंगी ना उसे, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो किसी की सुनती नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है। प्लीज उसे प्यार से डील करो, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। ओके Surprise! Hi, how are you? How are you? I'm good. No thanks. Salman, I'll take a leave, yeah? Yashmiya, आप भी खड़ी हो गई हैं। आप दोनों बैठें, मैं कॉफी मंगवाता हूँ, सब इकट्ठे पीते हैं। मेरा कोई मूड नहीं है इस एनवायरनमेंट में कॉफी पीने का।
आप दोनों बैठे, मैं जा रही हूँ। नो नो, यू कैन स्टे, हम बाहर जा रहे हैं। इमा, आई हैव टू सेंड अ फ्यू ईमेल्स, बस 5 मिनट, तुम बैठो ना। सलमान, मैंने कह दिया ना, हम बाहर जा रहे हैं। यश, मैम सॉरी, आई हैव टू लीव। चले चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। प्लीज बैठे। थैंक यू। यू वेलकम। क्या लेंगे आप? कॉफी। श्योर। एक्सक्यूज मी, दो कॉफी। जॉब कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। गुड। आज यहाँ आने का मकसद तो आपको पता ही होगा जी, और इसी सिलसिले में मैं आपसे बात भी करना चाह रही थी जी। प्लीज बोले, मैं सुन रहा हूँ। देखिए शहजाद, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, मतलब इस रिश्ते के लिए नहीं, मैं किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं शादी ही नहीं करना चाहती। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ आपसे? देखिए, लाइफ में हर एक के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मैंने मर्द को अपनी ज़िंदगी में जिस रिश्ते में भी देखा है, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपनी खुशी से गुजारना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? एक्चुअली यशमिया, मैं भी इस रिश्ते से बिल्कुल राज़ी नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी किसी लड़की के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। वॉट आई बिलीव, एक्चुअली ज़बरदस्ती की शादियाँ कभी भी नहीं हो सकती। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? लाइबा के कहने पर, और मैंने सोचा कि मैं आपसे इस मसले पे बात भी कर लूँगा। अगर आप बुरा ना माने, एक बात पूछूं आपसे? प्लीज शो पूछें। क्या आप लाइबा को पसंद करते थे? छोड़े इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज। You know what, आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि पसंद का वक्त बहुत छोटा है। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था। जब मैंने पहली नज़र उन्हें देखा तो मुझे ऑनेस्टली मोहब्बत हो गई। लेकिन शायद हम एक दूसरे के लिए बने, मेरी तकदीर में नहीं। और ये ख्वाब पूरा होने से पहले ही टूट गया, जिसकी किर्चियां अब तक की आंखों में चुभती हैं। खैर, जो होना था वो तो हो गया, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। एनीवेज, मुझे इस मसले का हल बता। एक आइडिया है मेरे पास, अगर आप मेरी बात माने तो। मानने जैसा होगा तो मैं जरूर मानूंगा। पहला मेरे ख्याल में मुझे और आपको एक दूसरे के साथ मंगनी कर लेनी चाहिए। What? मंगनी? नैना
सुनो, तुमने छोटे साहब को खाना दे दिया था? जी बाजी, दे दिया था, लेकिन आज तो वो सुबह ही चले गए ना। और हाँ, उन्होंने तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। क्यों, तबीयत तो ठीक थी ना उनकी? छोड़े बाजी, मुझसे तो वो बात ही नहीं करते। वैसे ना उनकी आंखें बड़ी लाल लाल लग रही थी, ऐसा लग रहा था पूरी रात सोए नहीं है। अच्छा, वैसे आपसे तो वो सारी बातें कर लेते हैं ना, तो आप ही पूछ लीजिएगा कि वो सारी रात सोए क्यों नहीं है। वैसे एक बात कहूं बाजी जी, आपका सही जोड़ ना शहजाद साहब से बनता था, आपने पता नहीं क्यों बड़े साहब से शादी कर ली। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें 100 दफा कहा है अपने काम पर ध्यान दिया करो, जब देखो इधर उधर तुम्हारा दिमाग लगा रहता है। सॉरी जी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही मत बोलो, जाओ जाकर काम करो अपना। तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आपने सोचा इस बारे में? किस बारे में? आप ही के बारे में। मैं क्या सोचूं आपकी आप ही के बारे में? मेरा मतलब है, खालिद ने आपसे बात की थी तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आप मुझे क्या समझती हैं लाइबा? मैं अपना जवाब सबको बता चुका हूँ और मैं फिलहाल किसी भी रिलेशनशिप के मूड में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रही थी कि आप आज नहीं तो कल शादी तो करेंगे ना, तो एक बार आप ही से मिल लेते। अच्छा, उससे क्या होगा? शायद आप अपना फैसला बदल लें। ट्रस्ट मी, आप ही बहुत अच्छी हैं, बहुत बाहिम्मत, हौसले वाली और सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाली। शुक्र है खुदा का लाख लाख के दोनों रिश्ते के लिए मान गए। हाँ मम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप भी राजी हो गए। बेटा, मैंने उसे बहुत समझाया था तब जाके मेरी बच्ची ने फैसला किया। हाँ, खालिद भी बहुत खुश थे, कह रहे थे कि वो आपके घर आके मिठाई खाए। हाँ हाँ जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। बल्कि तुम यूँ करो, खालिद को यहीं बुला लो और कहो कि रात का खाना यहीं खाए, और हाँ शहजाद को भी बुला लो। ठीक है? ठीक है, मैं बोल देती हूँ। अच्छा वो आप ही क्या कह रही थी, मेरी तो अभी तक कोई बात नहीं हुई उनसे। अरे भाई, बस कह रही थी कि मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? वो ये कि रिश्ता तय सिर्फ घर वाले करेंगे, शादी 2 साल बाद होगी और कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आप ही की भी अजीब मनतक होती है। अरे मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो राजी हो गई शादी के लिए। लाइन भी मैं भी कटवा रहा हूँ, ये बना के दिल उसमें अलग से। हाँ, तुम्हारी पसंद की है ना ही सर। अरे जफर में मुबारक हो यार, लड्डू खाओ भाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो खालिद भाई। मेहरबानी मेहरबानी भाई, अब तो खुश हो ना यार। अरे ऐसा वैसा खुश, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इधर इधर इस जगह नाचूं, लुटिया डालूं। ले ओ भाई, शहजाद मियां ये कह रहा है कि मंगनी शंगनी करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही किसी हंगामे की। दुल्हा भाई की बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, आखिर जबान ही की अहमियत होती है। हाँ भाई, जबानी बात तो तय हो गई ना।
अब इसकी बड़ी भाभी जब आएगी तो बाकी सारी रस्में वगैरह उसके होते हुए करेंगे, घर के सारे अफराद भी शामिल होंगे और हल्की फुल्की दावत ही कर लेंगे और क्या। लेकिन भाई मैंने आपसे मना किया था ना ये सब कुछ करने के लिए। हाँ तो भाई हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं यार। भाई तुम समझते क्यों नहीं, वो तुम्हारी भाभी आएगी तो ऐसे ही खुश थोड़ी होगी वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जब सलमा आ जाएंगी तो हम बाकायदा रस्म करेंगे और इस तरह रस्म भी हो जाएगी, डिनर भी हो जाएगा। और वैसे भी देवर पे भाभी का बहुत हक होता है। हाँ भाभी का हक होता है, क्यों नहीं भाई, उसका हक है बिल्कुल, वो इस खुशी में शामिल होंगी। अम्मी क्या यशमिया आप भी चली जाएंगी लाए भाभी की तरह? जी बेटा। तो क्या यशमिया अभी भी लाए भाभी की तरह बहुत कम आएंगी? नहीं मेरी जान, यशमिया आप अभी कहीं नहीं जा रही, आपके पास ही है। सच? सच। हाँ शहजाद खुश हो ना भाई तुम, हैं? सब ठीक हो रहा है ना? हाँ ठीक है। हाँ कहाँ थी तुम और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बिजी थी। इतनी क्या बिजी होगी कि मेरी कॉल्स नहीं अटेंड की? व्हाट्स रॉन्ग विद यू सलमान, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी और जरूरी नहीं कि जब भी तुम्हारी कॉल आए मैं तुम्हारी कॉल अटेंड करूं। टेरेस से देख लिया मैंने कि कौन से फ्रेंड्स थे। तुम्हें ड्रॉप किसने किया? व्हाई आर यू आस्किंग मी? ज़ुहेब था ना? हाँ तो एनी प्रॉब्लम? इमा तुम्हें पता है ना कि उस लड़के के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद है? नॉट एग्जैक्टली। हिमा तुम जानती हो कि उस लड़की की रेपो अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। कम ऑन सलमान, स्टॉप दिस रबिश ओके। रेपो तो मेरी भी अच्छी नहीं है, तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मेरे साथ ही रहोगे? हिमा तुम बात लिसन सलमान, आई डोंट केयर ओके, मुझे वो बुरा नहीं लगता। और वैसे भी रूल्स हम दोनों के लिए सेम होने चाहिए ना, अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट चेंज नहीं कर सकती तो तुम भी मेरे मैटर से दूर रहो। Even I don't care. लेकिन मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आंटी तुम्हारी एक्टिविटीज के बारे में मुझसे पूछती। लेकिन अब मैं उनको बोल दूंगा कि मुझसे नहीं सिर्फ तुमसे पूछा करें, ओके? तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। By the way, अगर तुम मुझे धमकी दे भी रहे हो ना तो I don't care. बोल दो जाके। वैसे भी मॉम को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती और मुझे नहीं पसंद कि मेरे कोई मामलात में इंटरफेयर करे, ओके? आपके घर वाले और मेरे घर वाले अब हमें कोई प्रेशर नहीं करेगा शादी के लिए। अच्छा हुआ मेरी भी जान छूट गई, हर वक्त शादी शादी शादी। यू नो व्हाट, भाभी तो वहां भी मेरे लिए लड़कियां देख रही है। अब अम्मी को भी फिक्र नहीं होगी, मेरा ख्याल है कोई 2 साल तक तो हमें अब तंग नहीं करेगा। और फिर अब्बू का भी डर सर पे रहता है कि पता नहीं किसी से पकड़ के शादी कर दे, अब वो भी चला गया। वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट, आपकी बहन आप जैसी बिल्कुल नहीं।
आपके कहने का ये मतलब है कि लाइबा बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। अब मेरा मतलब ये है कि आप जितनी चालाक नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत चालाक हूँ? या अल्लाह, मैं एक्चुअली मेरे कहने का ये मकसद नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। नहीं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, बहुत मासूम है लाइबा, उसको इस जिंदगी की चालाकियों का बिल्कुल अंदाजा नहीं, इसीलिए तो बस दुआ करती रहती हूँ अल्लाह में मेरी लाइबा को हमेशा खुश रखे। आमीन। आप जैसी बहन की दुआएं उसके साथ है तो किस बात की फिक्र। थैंक यू। ये तो अच्छा हुआ बीबी जी के आप आ गईं, आपके बगैर तो ना जी घर घर ही नहीं लग रहा था। अच्छा, तो क्या लग रहा था? मत पूछें जी, मेरा तो काम में ही दिल नहीं लग रहा था। और ये जो छोटी बीबी है ना, ये तो ज्यादातर अपनी अम्मी के घर चली जाती थी या फिर वो यहाँ आ जाती थी। अच्छा, तो मेरे घर से जाते ही सबको आजादी मिल गई थी। वही तो ना जी, अब सारे घर की जिम्मेदारी ना मुझ पर आ गई थी। वैसे एक बात तो बताएं। पूछो। क्या बड़े साहब जी आपकी सालगिरह भी धूमधाम से मनाते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। शादी के शुरू के सालों में एक दो साल मनाई, उसके बाद तो उन्हें याद भी नहीं रहते। लो जी, छोटी बीबी की सालगिरह तो बड़े ही धूमधाम से मनाई जी उन्होंने। कौन कौन आया था? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नए नए चोचले हो रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं बाजी जी, जो तोहफा साहब जी ने दिया ना उनको, उससे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको बहुत प्यार करते हैं। तोहफा क्या दिया था? बंगला दिया जी, बंगला, वो भी उनके नाम पे खरीद के। जी बाकी सब तो बहुत खुश थे, बस मुझे ना जी आपकी याद आ रही थी, आप होती तो ज्यादा मजा आता ना। क्या हुआ बाजी जी, आप कुछ सोच रही हैं क्या? मेरे पैसे पे आयश, तुम्हें होने नहीं दूंगी, बताती हूँ। परी, ये मैंने कपड़े बाहर निकाले हैं, अलमारी में रख, मैं एक मिनट आई। थैंक यू। किस बात के लिए? फिलहाल तो मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए।
क्या हो गया आपको? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। खैर मैं चलती हूँ।